ओके देन, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सीए संकल्प कांस्टिया, स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। एंड फाइनली वी आर स्टार्टिंग सीए सीएम में फाइनल एएफएम एसएफएम का लाइव बैच, एंड दैट टू अ रेगुलर बैच। आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड? सो काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली धीरे धीरे आते जाएंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस इवेंटफुल जर्नी, बहुत मजा आने वाला है। एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड टिल दी एंड, बस यही सेम जोश होना चाहिए एंड तक अपना, एंड आई एम श्योर वी आर गोइंग टू क्रैक इट। क्या बोलता है पब्लिक? चलो सो मैं स्टार्ट करूंगा मेरे एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, एंड देन आई विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। ओके, अच्छा अभी किसी को भी टेक्निकल इश्यू इनकेस आता है, सो आर टीम विल गेट बैक टू यू, एंड आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थिंग्स विल गेट ऑल राइट। एक दो दिन तक तो ये इश्यू रहेगा एंड देन परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो आ जाओ। सो मैं जैसा मैंने बोला, जब से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे टेक्निकल सेशन के साथ, या जिसके लिए अपन आए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीजों के साथ। सो जो लोग मेरे साथ ऑब्वियसली इंटर में थे, दे वुड नो दिस, बट जो नहीं थे, जो फर्स्ट टाइम फाइनल में आ रहे हैं, सीधा मेरा लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, समझो आपने एससीपीएम भी नहीं देखा है मेरा, सीधा आप एएफएम में आ रहे हो, देन माई सेल्फ सीए संकल्प कांस्टिया, सीएबीक्यू सीएसीएस संकल्प कांस्टिया बाय क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनएम नरसिम्हाजी कॉलेज मुंबई, एंड क्वालिफाई होते ही मैंने ज्वाइन किया था वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी जेपी मॉर्गन। सो जेपी मॉर्गन में था मैं अप्रॉक्सीमेटली 4.5-5 years के लिए। वहां पे फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, असेट मैनेजमेंट रिलेटेड काफी सारा काम किया, एंड देन फाइनली द पैशन ऑफ टीचिंग टुक मी ओवर। सो जब मैं जेपी मॉर्गन में था तभी भी मैं पढ़ाता था, बट दैट यूज टू हैपन ऑन सैटरडे एंड संडेज, तो सैटरडे संडेज में मैं पढ़ाता था, एंड मंडे टू फ्राइडे ऑब्वियसली वॉज डेडिकेटेड टू द जॉब दैट आई वॉज डूइंग, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ही मैंने काम किया है। तो जो आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं ना, वो मैंने ग्लोबल लेवल पे देखा है। सो एक तो है इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट और एक तो है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। सो आई हैव टेकन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, एंड दैट इज वॉट आई विल बी शेयरिंग ऑन रेगुलर बेसिस जब मैं अपने लेक्चर्स तुम लोग के साथ लेते रहूंगा। सो ऑब्वियसली द जर्नी ऑफ जेपी मॉर्गन वॉज ऑल्सो नॉट ईजी। सबसे पहले तो वहां पे जॉब मिलना, बिकॉज यूजली वो लोग जो डिपार्टमेंट में मैं था, वो डिपार्टमेंट में वो लोग सी एफ एस को आई एम पास आउट को ही लेते हैं, बट आई वॉज यू कैन से लकी इनफ कॉन्फिडेंट इनफ टू गेट इन टू देयर होल डोमेन। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड जैसा मैंने बोला वो रिच एक्सपीरियंस भी बीच बीच में तुम लोग के साथ मैं शेयर करते रहूंगा। सो बात कुछ ऐसी है कि हाउ डिड आई गेट देयर। सो आई कंप्लीटेड माय सीए ऑलमोस्ट बाय द एज ऑफ 21.5, मेरा सीए सीएस दोनों हो गया था, एंड देन जो यूजुअली सब अपन करते हैं, आजकल तो इंस्टीट्यूट का कैंपस प्लेसमेंट और ये सब काफी हाई लेवल पे होता है, हमारे टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था, होता था कैंपस प्लेसमेंट बट इतना अवेयरनेस नहीं था, और बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट भी एक्टिव नहीं था जितना आज है। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, मैं बात कर रहा हूँ probably 15 years back approximately. So that is where मैंने अपना resume बनाया, मस्त एकदम classic वाला CA, CS, और वो लिखने का जो feel है ना भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप लोगों को भी बस कुछ time में वो feel मिलने वाला है। नाम के आगे CA लिखने का जो feel है ना, CA बनने के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने भी साल के बाद वो फील नहीं जाता है। आज भी जो एक गर्व से, जो एक रेपुटेशन से मैं लिखता हूं ना अपना नाम सी ए संकल्प कांस्टिया, दिस इज व्हाट ऑल ऑफ अस आर हियर फॉर, द रिस्पेक्ट, द मनी, द फेम, एवरीथिंग विद दिस वन डिग्री, राइट? एंड बस उसी का एक जरिया मैं भी बनना चाहता हूं आपके लिए, एंड दैट इज द रीजन वी आर हियर। सो ऑब्वियसली मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, एट दैट पॉइंट इन टाइम मैंने सबसे पहला काम किया अपना मस्त वाला रेज्यूमे बनाया, ड्रॉप कर दिया सारे के सारे जितने भी बिग फोर्स है, इंडस्ट्री है सब जगह पे, एंड आई थैंकफुली गॉट अ कॉल फ्रॉम बहुत सारी कंपनीज से आया,
ऑब्वियसली बिग फोर से तो आपको कॉल आएगा ही आएगा, मतलब उनके पास तो वैकेंसीज रहती ही रहती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बिकॉज बिग फोर का नाम सुना है गाइज आप लोग ने? कौन कौन आता है बिग फोर में? पीडब्ल्यूसी, अर्नस्ट एंड यंग, डिलॉइट एंड केपीएमजी। तो ये चारों में तो बाय डिफॉल्ट एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना रेज्यूमे डालता ही है, ठीक है? सो मैंने भी पुटअप किया अपना रेज्यूमे एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ऑल फोर। बट मैं इंडस्ट्री का वेट कर रहा था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था यार मेरे को फाइनेंस डोमेन में जाना है, जाना मिलना मुश्किल है। देखो जेपी मॉर्गन से कॉल नहीं आता तो हम भी जाते ही बिग फोर में, बट थैंकफुली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर एंड बस बस जिंदगी बदलने वाली थी, आइडिया नहीं था वो टाइम पे। सो आई गॉट अ कॉल, उन्होंने कहा कि भाई आपका देखो इंटरव्यू शेड्यूल्ड है एंड आपको इंटरव्यू के लिए आना है, 2 दिन बाद ही इंटरव्यू था। फुल का फुल तैयारी मैंने चालू कर दिया ये 2 दिन में, मतलब मेरे पास उनका एक मेल आया दैट दिस इज गोइंग टू बी द जॉब डिस्क्रिप्शन। उनका एक फंड है जेपी मॉर्गन फंड ऑब्वियसली, तो वो फंड का पूरा एनालिसिस है, मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड पूरा काम था। तो मैंने पूरा एकदम मतलब अपनी तरफ से जो मैं रिसर्च कर सकता था इन टर्म्स ऑफ मेरा पूरा का पूरा बोलते हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी तो इंड एस आ गया तभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और टैक्सेशन और AFM और सब सब चीजें मैंने एकदम गो थ्रू कर ली, मतलब फुल सुपर एक्साइटेड था मैं। गया इंटरव्यू हुआ मेरा, सबसे पहला राउंड होता है एचआर राउंड। तो एचआर राउंड में वो लोग अपना थोड़ा समझते हैं कि बंदे का बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, बिकॉज सी आप कोई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, वो एक कहावत है मालूम है, एक अगर सपोज देयर इज अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स और उसमें से एक एप्पल भी खराब हुआ ना तो वो पूरा बॉक्स को खराब कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहला एचआर राउंड होता है और वो चेक करते हैं आपका बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर ही सही नहीं है ना, देन इन दैट केस आप कितने भी क्वालिफाइड हो, कितने भी टेक्निकली स्ट्रांग हो, दे विल नेवर अपॉइंट यू। सो ये सब बड़ी बड़ी चीजें होती है, अपने को तो पता भी नहीं है कि अच्छा ऐसा सब वो सब चीजें टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है। सो दैट्स हाउ इट वर्क। सो एचआर के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो उन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड लिया एचआर का, बहुत अच्छा गया मेरा एचआर राउंड। फिर होता है सीनियर एचआर राउंड, वहां पे भी यही सब चीजें काइंड ऑफ डिस्कस करती है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, यू नो हु आर द पीपल दैट दैट यू लिव विद, एंड देन ओवरऑल आपकी सीए की जर्नी कैसी रही, एंड एवरीथिंग इज आस्क्ड इन दीज राउंड्स। फिर आया फाइनली द टेक्निकल राउंड ऑफ द कंपनी। यहाँ पे मेरे सामने बैठा है मैं जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने वाला हूँ उस डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट। लिटरली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मुझे मेरा वो 10 साल 15 साल पुराना इंटरव्यू का सीन याद आ रहा है, एंड तुम लोग के साथ भी ऐसा ही होगा। तुम लोग भी जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे ना, उसके बाद में जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, वो सारी चीजें है ना बहुत नॉस्टैल्जिक रहती है वो, बिकॉज दैट्स द स्ट्रगल पीरियड, ठीक है? सो प्रॉबली अगर मैं सेकेंड थर्ड जॉब वाले इंटरव्यूज मुझे इतने याद रहे ना रहे आई हैव नो आइडिया, बट ये वाला इंटरव्यू हमेशा याद रहेगा बिकॉज दैट इज वेयर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, राइट? सो लिटरली मेरे को तो मेरे दिमाग में वो पूरा सीन ही चल रहा है। सो आई फर्स्ट राउंड एचआर राउंड हो गया, सीनियर एचआर राउंड हो गया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम लोग को सही लग रहा है नेक्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड होगा। तो ये सबसे मेन राउंड होता है, इधर ही इनका डिसीजन मेकिंग होता है दैट वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। तो थर्ड राउंड पे मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ द मैनेजिंग पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं अपन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सो ये तीन लोग बैठे थे। वन वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदर वॉज अ MBA, थर्ड वॉज अ CFA। अब आप जस्ट इमेजिन करो, यू नो ये तीन लोग मेरे बाजू में बैठे और साथ में था एक HR, ठीक है? तो ये चार लोग मेरे इंटरव्यू के राउंड में बैठे थे। मैं काफी कॉन्फिडेंट था, उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज शेयर योर CV विद अस, CV इज करिकुलम वीटे जिसको अपन रिज्यूमे बायोडाटा जो नाम से बोलना है बोल सकते हैं। तो मैंने उनको शेयर किया मेरा रिज्यूमे, उन्होंने मेरा रिज्यूमे गो थ्रू किया और उन्होंने बोला वाह क्या बात है, दे वर वेरी इंप्रेस्ड। उन्होंने बोला यार चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एट सच यंग एज, कॉलेज भी काफी अच्छा ही था मेरा, सो दे वर वेरी इंप्रेस्ड। एंड मैं भी बोलते हैं ना चने के झाड़ पे एकदम, मैं बोला बॉस अब तो यार 20-25 लाख की सैलरी लेकर ही जाऊंगा, जब इतना कॉन्फिडेंट है वो लोग मेरे लिए तो फिर मैं क्यों ना बोलू यार, है कि नहीं? तो आई वॉज सुपर एक्साइटेड। मैंने उनको बोला कि सर स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू, दैट्स वेयर द थिंग्स स्टार्टेड। उन्होंने मेरा पूरा का पूरा रेज्यूमे देखा और उन्होंने मुझे ही बोला कि प्लीज रन थ्रू योर रेज्यूमे। अच्छा अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर आपका तो चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम सब चीजें निकलती गई,
एंड आप बोल रहे हो 21-22 के एज में आपको मिल गया जॉब। सपोज सर हमारे को इंटर में अगर अटेम्प्ट लगा है या फाइनल में संभोज कभी अटेम्प्ट लग गया, तो क्या इसकी वजह से हमारा भी सीवी पे फर्क पड़ेगा? क्या हमारे को कभी इन कंपनी से कॉल्स या जॉब इंटरव्यूज आएगा कि नहीं? सी फ्रेंकली स्पीकिंग बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को ही बुलाते हैं, दे चेक योर एक्सपीरियंस। बट सर हम तो अभी सीए बने, हमारा तो फ्रेशर्स वाला एक्सपीरियंस है, तो आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस है, बाकी तो हम लोग फ्रेशर है। सो व्हाट हैपेंस इज इंटरव्यू काउंट्स अ लॉट। सो यहाँ पे यस एक फर्स्ट प्राइमा फेसी जो है वो लोग देखते हैं कि भाई ठीक है, 2-3 अटेम्प्ट लगे हैं या जो भी आपके साथ हुआ है, बट अगर आपका इंटरव्यू सही गया, अगर आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट है, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, देन इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन गेट अ जॉब एनी वेयर दैट यू वॉन्ट। सो कभी भी इस चीज से जज नहीं किया जाता है। आजकल हो गया है थोड़ा ज्यादा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत देख रही है कंपनीज। अब जो कंपनीज अब बुलाती है ना कैंपस प्लेसमेंट के लिए, उसके अंदर वो लोग लिख के देते हैं ऐसा, ओनली कैंडिडेट्स हु हैव टेकन मैक्सिमम 2 to 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड टू सिट फॉर द इंटरव्यू। अब ठीक है, ट्रेंड है ऐसा, तो क्यों ना अपन भी उस ट्रेंड को स्टिक करें, अपने को कौन सा ज्यादा अटेम्प्ट देने में मजा आ रहा है। सो लेट्स ट्राई एंड इंश्योर दैट वी ऑल्सो शुड क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट यार, एज सच। बराबर है, मेहनत तो कर ही रहे हैं, बराबर है। सो डेफिनेटली वी कैन क्लियर इट, एंड ट्रस्ट मी ये एक सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप लोग ने प्रॉपरली फोकस किया ना, तो आपका पूरा का पूरा दोनों ग्रुप निकल सकता है ये एक सब्जेक्ट के बलबूते पे। मतलब अगर आप लोग मेरा ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अभी आप मेरा ये सेशन देख रहे हो, डेफिनेटली इट इज नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू स्कोर अ 50 और अ 60 मार्क इन दिस सब्जेक्ट। मेरा अगर आपने रेगुलर बैच लिया है तो बॉस 75 तो आपके लिए मिनिमम पासिंग होना ही चाहिए, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है ये बैच लेके। अदरवाइज तो मैं बोलता हूँ मेरा तो फास्ट ट्रैक ले लो, एग्जाम ओरिएंटेड ले लो, उसमें भी 60+ तो आपको आराम से आ जाएगा। बट द रीजन इज यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मिलने वाला है आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इवन आफ्टर बिकमिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल डोमेन में कैसे काम होता है प्रैक्टिकली, एंड दैट इज द नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू टेक होम। ठीक है ना, तो सीए बनने के बाद भी जब इंटरव्यूज दोगे ना, तो एक अलग ही लेवल का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट में, एंड दैट इज द रीजन यू हैव ऑल ज्वाइन दिस बैच। सो अभी का अभी बिफोर आई कंटिन्यू विद द थिंग्स, एक प्रॉमिस मुझे तुम लोगों से चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम लोग मेरे को अभी का अभी एक व्हाट्सएप कर दो, काइंड ऑफ एक मैनिफेस्टेशन बोल लो, काइंड ऑफ एक गोल सेटिंग बोल लो, जैसा आपको ठीक लगे। बट आज अपन एक गोल सेटिंग कर रहे हैं अपने फर्स्ट सेशन में ही, एंड आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू एंश्योर दैट यू आर राइटिंग दिस टू मी, एंड जिस दिन रिजल्ट आएगा उस चीज को टैग करके नीचे अपने रिजल्ट का फोटो होगा जहां पे आपने लिखा होगा यस सर आई डिड इट। ठीक है, सो आज तुम लोग को खाली जब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको मुझे नीचे लिख के भेजना है यस सर आई डिड इट। बट आज आप लोग मुझे लिख के देने वाले हो वी आर गोइंग टू रॉक इन AFM, वी आर गोइंग टू रॉक इन AFM विद 80+ मार्क्स, विद टारगेट 80+ मार्क्स। समझ रहे हो तुम लोग, इसके नीचे सोचना ही नहीं है। वो बोलते हैं ना आदमी की सोच ही उसको बड़ा बना देती है सबसे पहले, तो आपकी सोच ही इधर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए दैट टारगेट ही अपना स्टार्ट ही 80+ से हो रहा है, एंड देन ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट। मैं तो चाहूंगा हर एक बच्चे को 100 out of 100 मिले, बट लिखना और देन फिर उसको एग्जीक्यूट करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चाहता तो मैं भी हूं चांद पे पहुंचना, बट क्या मैं उस चांद पे पहुंचने के लिए उतने एफर्ट्स ले रहा हूं क्या? वो कभी मत, उस हार्ड वर्क के ऊपर कभी भी पीछे मत हटना गाइस। ठीक है, सो ये आप लोग ने आज मुझे लिख के भेजना है, एंड जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है, पेशेंस है, टाइम है सर, हमारे अटेम्प्ट को शायद 1 साल है, किसी को 6 महीना, किसी को 2 साल, एज द केस में भी जितना भी आपको टाइम है, बट आज ये चीज तुम लोगों को मुझे लिख के प्रॉमिस करनी है, मेहनत करना है और उस दिन का वेट करना है जिस दिन रिजल्ट आएगा। एंड मैं आपको बता रहा हूं ये एक सब्जेक्ट आप लोगों को ले उठेगा। जी हाँ, अगर एक सब्जेक्ट में 80+ आ गया, इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस टू अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स, इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस टू
इंश्योर दैट जो अपना एग्रीगेट है उसमें कभी भी टेंशन नहीं आएगा, राइट? सो ये प्रॉमिस तुम लोग ने आज मुझे कर दिया, एंड 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 साथ में जब तुम लोग मुझे व्हाट्सएप करो ना, तो विदाउट फेल अपना नेम और लोकेशन भी भेजना, सो दैट वी आर कनेक्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग. सो डू शेयर योर नेम, डू शेयर योर लोकेशन एंड डू शेयर दिस थिंग. सो ये आज अपन लोग ने एक टारगेट सेटिंग से चीजों को स्टार्ट कर दिया है. सो बात थी मेरी जेपी मॉर्गन की, तो जेपी मॉर्गन में मेरा अभी थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, एंड ये थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू में अब मेरे साथ कंपनी के दिग्गज लोग बैठे हैं. वन इज अ वाइस प्रेसिडेंट, वन इज अ मैन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अदर इज अनदर अ हाई लेवल पर्सन. सो ये लोग जब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं ध्यान से सुनना. सबसे पहले उन्होंने मेरा रेज्यूमे गो थ्रू किया और बोला कि यू गो थ्रू योर रेज्यूमे, रन थ्रू योर रेज्यूमे, उन्होंने ऐसा मुझे बोला. तो मैंने उनको बताया, सर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये वो क्वालिफाइड, एकेडमिकली अच्छा था मेरा, स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट था मेरे को, तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी मेरे डिसेंट थे. उन्होंने बोला वेरी गुड, वी फाइंड यू अ वेरी वेरी एलिजिबल कैंडिडेट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल्स. जैसा मैंने बोला कि उन्होंने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया, और ऑलरेडी जो मैं था ही हवे पे तने के झाड़ पे, यार चार्टर्ड अकाउंटेंट बने रिसेंटली, तो सीधी सी बात है एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है आपने. सो आई वॉज ऑल्सो एट क्लाउड नाइन, एक अलग ही दुनिया में था मैं. तो उन्होंने मुझे सबसे पहला सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 5 to 8 years. मैंने बोला कि यार सर आई वॉन्ट टू बी द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन. तुम लोग ने ये वर्ड सुना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बहुत बहुत प्रचलित है, प्रचलित मीन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है. एंड मैंने भी वो टाइम पे सुना था कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर होता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर को मिनिमम सैलरी 20-25 लाख का मिलता ही मिलता है. तो ऑब्वियसली सीए अपन इसीलिए बने यार कि हाईएस्ट से हाईएस्ट सैलरी मिले. तो मैंने उनको बोला दैट सर आई वॉन्ट टू बी इन्वेस्टमेंट बैंकर सर, मैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर ही खाली नहीं, मैंने उनको बोला कि सर आई वॉन्ट टू हेड दैट डिपार्टमेंट. उन्होंने बोला क्या बात है, 22 साल का बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यार, वेरी गुड वेरी गुड, और चने के झाड़ पे, ठीक है अच्छी बात है. आया उनका पहला सवाल, पहला टेक्निकल क्वेश्चन फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट. वो मुझे पूछते हैं कि अच्छा टेल अस अबाउट द टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या टॉप 3 मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स दैट हैव हैपेंड ग्लोबली इन द लास्ट 6 months. ध्यान से सुना मेरे क्वेश्चन को जो उन्होंने मुझे पूछा, ठीक है ना, मेरे दिमाग में एक एक चीज एकदम फिट है. टॉप 3 मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स दैट हैव हैपेंड ग्लोबली इन द लास्ट 6 months, ये उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा. अब आप मेरे को बताओ इसका जवाब मुझे आया होगा कि नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूं, बट ऑब्वियस है नहीं आया होगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू के 2 दिन पहले पढ़ के गया था इंड एस, टैक्स, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अपने बुक में दिया हुआ है. मुझे थोड़ी ना पता था कि सीधा उठा के वो लोग पूछ लेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स, वो भी ग्लोबली. मेरे पहलों तले जमीन खिसके मैं बोला कि सर आई हैव नो आइडिया. आप सोचो ना यार, इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, इतने आप कॉन्फिडेंट हो, और पहले क्वेश्चन में ही सीधा क्लीन बोल्ड हो गया अपन तो. यार इट इज लाइक बोलते ना, सचिन तेंदुलकर फर्स्ट मैच खेलने को आया और सीधा बोल्ड कर दिया उसको LBW. तो आई सेड दैट सर 2-3 मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर अ आ ई करके ब्लफ मारने की कोशिश की, बट उनकी आंखों के सामने ही मैं नहीं देख पा रहा था. फिर फाइनली मैंने बोल दिया सर आई हैव नो क्लूज. उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन था हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर थे उनका. उन्होंने बोला ओके टेल अस अबाउट द बॉल पार्क ऑफ द डील्स दैट हैव हैपेंड रिसेंटली. क्या बोला, बॉल पार्क. अरे भाई साहब, ये पहले तो क्या मर्जर एंड एक्विजिशन डील हुई है अपने को पता नहीं है. दूसरा क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया बॉल पार्क. मैं बोला सर बॉल पार्क क्या होता है वही अपने को नहीं पता, तो मैं क्या जवाब दूं उनको. इधर उधर देखने लग गया मैं तो, एंड लिटरली मेरे तो यार पसीना छूटना चालू हो गया. मैं बोला कि सर बॉल पार्क ऑफ द डील, हाँ ये वर्ड था बॉल पार्क ऑफ द डील, बॉल पार्क क्या होता है वो टाइम पे 21 साल के 22 साल के संकल्प को आइडिया ही नहीं है. बॉल पार्क मतलब होता है कि कितने अमाउंट्स पे डील क्लोज हुई, अभी डील क्या क्लोज हुई है वही नहीं पता है, तो सर अमाउंट कहाँ से पता होगा. इन जनरल फील उन्होंने बोला ओके व्हाट इज द बॉल पार्क
ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ डील्स इन इंडिया? नो आइडिया सर. तीसरा क्वेश्चन, तीसरे बंदे से तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ओके टेल अस अबाउट द लीड मर्चेंट बैंकर्स फॉर ऑल दीज डील्स. क्या बोला? लीड मर्चेंट बैंकर्स फॉर ऑल दीज डील्स. अरे भाई कहां से लाऊं मैं ये जवाब? आई स्वेयर, मतलब आपकी कसम, ये तीन क्वेश्चन मेरे पास धड़ाधड़ आ रहे. मतलब जो आदमी बोलते ना सातवें आसमान पे था, पहले क्वेश्चन के बाद पांचवें पे आ गया, दूसरे के बाद तीसरे पे, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे आसमान पे, और तीसरे क्वेश्चन के बाद तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जमीन के नीचे चले जाऊं, उनको बोल दूं कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं इस जॉब के लिए लायक हुई नहीं, एलिजिबल हुई नहीं. लिटरली वही फीलिंग आया, एंड मतलब एकदम पसीना पसीना हो गया मैं तो यार, क्योंकि आप सोचो ना, आ ही नहीं रहा अपने को जवाब देना यार, तो जो चीज आती है ना वो भी एकदम ब्लैंक हो गया मैं तो, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे. मतलब अपने होने पे शक हो रहा था, बॉस मैं हूं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट. बाजू में था वो एचआर बंदा, एचआर बंदे ने देखा कि यार इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, वो मुझे बोला कि मिस्टर संकल्प डोंट वरी, इट्स ओके, इट्स अ टेक्निकल राउंड, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर्स दैट्स ओके, यू कैन जस्ट स्टे काम. मैं बोला सो सर आई हैव नो आइडिया. थर्ड क्वेश्चन पे तो मैंने सीधा बोल ही दिया, फर्स्ट दो क्वेश्चन में तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत ब्लफ मारने की कोशिश कर रहा था, थर्ड क्वेश्चन पे मैंने बोल दिया कि सर मुझे तो आइडिया ही नहीं है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो. सर हमारे तो कहीं पे भी मॉड्यूल में या प्रैक्टिस मैनुअल में या पास्ट पेपर में ऐसा सब लिखा ही नहीं है, बॉल पार्क, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैनेजर, और व्हाट इज द डील, मर्जेंट एंड एक्विजिशन, और अपन तो यही पढ़ के पास हुए, तो अपने को तो आइडिया ही नहीं है ये सब चीज का. ओके ठीक है, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग आगे पूछेंगे, बोल देंगे भाई आप जा सकते हैं, नमस्ते, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नो आइडिया. फिर बाद में एचआर ने मुझे थोड़ा शांत किया, उसने बोला प्लीज संकल्प हैव सम यू नो बॉटल ऑफ वाटर, तो उधर पानी पड़ा था, पानी पिया थोड़ा, 2 मिनट एकदम शांति, सन्नाटा था पूरे के पूरे ऑफिस में, वही हमारा जो केबिन जहां पे इंटरव्यू हो रहा था. एंड देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. बोला गया भाई अभी और कितना जलील करोगे. तो उन्होंने बोला ओके, फिर उन्होंने मेरा रेज्यूमे गो थ्रू किया और उन्होंने पूछा ओके संकल टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉबीज और इंटरेस्ट. सो मालूम है अपन लोग लिखते हैं हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सब चीजें लिखते हैं रेज्यूमे, एटलीस्ट 12 साल पहले, 10-12 साल पहले तो हम लोग लिखते थे, अभी का पता नहीं. तो उधर मैंने लिखा था प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूजिक, ऐसी सब चीजें मैंने लिखी थी. अब एक्चुअली मेरे को इंटरेस्ट भी था, प्लेइंग क्रिकेट तीन चीज मैंने लिखी थी मेजरली, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स. आप गेस करोगे क्या? ये तो अपन लोग यूजुअली कॉपी पेस्ट कर देते ना, वो इंटरव्यूअर्स ने इन क्वेश्चन के ऊपर, इन चीजों के ऊपर, हॉबीज और इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया. बोलो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा दैट मिस्टर संकल यू हैव रिटन प्लेइंग क्रिकेट इज योर हॉबी, इज इन योर इंटरेस्ट, इज इट सो? मैं बोला यस सर इट इज. तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि सपोज सपोज मिस्टर संकल बॉलर ने बॉल डाला, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन ने ऐसे खेलने का कोशिश किया कि बॉल कीपर से छूट गया, बैट्समैन से भी छूट गया, तो बॉलर ने बॉल डाला तो बैट्समैन ट्राई किया मारने का, बैट्समैन से छूट गया, कीपर से छूट गया, और कीपर के जस्ट पीछे एक हेलमेट रखा था, उस हेलमेट को जाके लगा तो कितना रन मिलेगा? ऐसा उनका इमीडिएट क्वेश्चन आया, एंड मेरा फटाफट मैंने आंसर दे दिया, सर 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 अगर ऐसा हुआ तो 5 रन मिलेगा, इट वॉज द करेक्ट आंसर. उन्होंने बोला वाओ मिस्टर संकल्प दैट इज द करेक्ट आंसर, और मेरा कॉन्फिडेंस वापस. बोला जब बात आने दो, अभी और भी और कोई क्वेश्चन आने दो. तो 5 5 रन इज द करेक्ट आंसर, मैंने भी वही आंसर दिया. फिर बाद में बात आगे बढ़ी, उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि संकल्प मिस्टर आपने लिखा है इधर रीडिंग बुक्स भी आपकी हॉबी है. मैं बोला यस सर. उसमें भी आपको इंटरेस्ट है? यस सर बिल्कुल इंटरेस्ट है. उन्होंने बोला बताइए आप कौन सी बुक आपने रिसेंटली रीड की है. तो अब वो टाइम पे ना एक नई बुक आई थी, अभी तो उस बुक के ऊपर मूवी भी बन चुकी है, बुक का नाम है 2 स्टेट्स, अर्जुन कपूर एंड आलिया भट्ट ने उसके ऊपर काम किया हुआ है. मैंने बोला सर 2 स्टेट्स इज द बुक दैट आई हैव रेड. उन्होंने बोला कि 2 स्टेट्स का हम लोग को जो बुक है उसका स्टोरी 2 मिनट में नरेट कर दो. एंड एक्चुअली मैंने 2 मिनट में पूरा का पूरा स्टोरी नरेट कर दिया, पंजाबी बॉय, टेमिलियन गर्ल, दे यू नो IIM पढ़ने को जाते हैं साथ में, दे फेल इन लव एंड देन दे वॉन्ट टू मैरी बट इट बिकम्स डिफिकल्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. उन्होंने बोला वाह यार 2 मिनट में पूरा का पूरा परफेक्ट स्टोरी सुना दिया. मैं और एकदम चने के झाड़ पे मैं बोला कि वाह सर
अब तो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार सही जा रहा हूं मैं। जैसे ही मैंने ये जवाब दिया, उन्होंने बोला, मेरे भाई व्हाई कुडेंट यू आंसर दीज सेम क्वेश्चंस फॉर इन द सेम स्पीड फॉर आवर फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस। आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्रिकेट की बातें करने आए हैं? मैं बोला, नहीं सर, आप यहाँ पे सीए बन के क्लाइंट के साथ टू स्टेट्स के बुक्स की बात करेंगे? मैं बोला, नहीं सर। क्या आप मर्जर्स एक्विजिशंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बातें करेंगे? मैंने बोला, यस सर। तो उन्होंने बोला, तो जिस चीज की आपको बातें करनी है उसके पास आपका जवाब नहीं है, और जो चीज आपको नहीं करनी है वो तो आपने एकदम इमीडिएटली जवाब दे दी। मतलब आंसर दो तो भी प्रॉब्लम, आंसर ना दो तो भी प्रॉब्लम। मतलब जस्ट इमेजिन मेरी क्या हालत हुई होगी वो इंटरव्यू में। अगेन मैं बोला, यार अभी क्या जवाब दू? एकदम चुप हो गया। वापस 2 मिनट का ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे कोई गया ऊपर। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं भाई, जवाब दू के नहीं दू? जिस चीज में जवाब दे रहा हूं उस चीज में ऐसे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या है, हाँ तुम यहाँ पे क्या क्रिकेट खेलने आए हो, बुक पढ़ने आए हो, और जिस भी चीज में जवाब नहीं दे पा रहे हो बोल रहे, अरे इतना भी नहीं पता तुमको? मतलब गया, इसको बोलते हैं ना इंटरव्यू का टेक्निकल ग्रिलिंग हो गया अपने साथ। मेरे साथ 6 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, बता दू वैसे, ये 3rd राउंड चल रहा है अभी खाली। हाँ तो सर आपको कैसे सिलेक्ट किया? पहले 5 क्वेश्चन में तो जो नहीं दिया उसमें भी उसमें आपकी बजा दी, जो दिया उसमें भी आपकी बजा दी, तो क्या ऐसे सर? हाँ अब मैं बताता हूँ आगे फिर क्या हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ओके वेरी गुड दैट यू हैव आंसर्ड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करेक्टली, वी आर हैप्पी फॉर दैट। बोला ओके सर, थैंक यू, यू आर हैप्पी, बट आपको सुनना नहीं था भाई, उनको तो चाहिए था पहले 3 का सही जवाब दे, लास्ट 2 का जवाब ना दे। मैंने किया उल्टा, ठीक है। फिर उन्होंने पूछना चालू किया, वो जो सेकेंड बंदा था ना सीए, उसने मुझे फिर क्वेश्चंस पूछना चालू किया, जैसे कि अच्छा टेल अस समथिंग अबाउट AS20। अब आज तो इंडियस आ गया, हमारे टाइम पे AS20 हुआ करता था, विच वाज ईपीएस अर्निंग पर शेयर। फिर उन्होंने बोला टेल अस समथिंग अबाउट AS22 विच वाज समथिंग अबाउट द डिफर्ड टैक्स एसेट। फिर उन्होंने बोला टेल अस समथिंग अबाउट AS11 फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तब मुझे लगा कि यार ये सब चीज तो आता है। AS20 अर्निंग पर शेयर के ऊपर वो लोगों को पूरा ज्ञान दे दिया, AS22 डिफर टैक्स एसेट डिफर टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताया, AS28 पूछा इंपेयरमेंट ऑफ एसेट हुआ करता था हमारे टाइम पे, AS11 फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताया। उन्होंने बोला ओके गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फिर उन्होंने मुझे कुछ पूछना चालू किया PGBP और कैपिटल गेन्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा पूछा, IRR के ऊपर कुछ उन्होंने पूछा, NPV के ऊपर पूछा। ये सारे क्वेश्चन का जवाब तुम्हारे भाई ने एकदम अच्छी तरह से दे दिया, और मतलब जो अंदर से मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। अब इंटरव्यू उन्होंने फाइनली मेरा एंड किया, 3rd राउंड यहाँ पे एंड हुआ। एचआर को मैंने पूछा, यार एचआर मतलब फिर बाद में वो लोग तीनों जो टेक्निकल वाले थे चले गए, एचआर को मैंने पूछा क्या लगता है यार होगा क्या मेरा सिलेक्शन, मैं तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाया। उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का आंसर कोई नहीं दे पाता है, ये तो जानबूझ के वो लोग पूछते हैं एक फ्रेशर को, क्योंकि वो फ्रेशर जो इतना हवा में है ना उसको पहले वो लोग जमीन पे ले आना चाहते हैं, वरना तुम तो अपना अपने आप को ही पहले दिन से ही कंपनी का सीईओ मानो ना चालू कर दोगे। बोला अच्छा एफआ, प्लस वो लोग देखते हैं कि आप कितना ट्रांसपेरेंटली जवाब दे रहे हो। फिर उन्होंने जब आपको इतना ब्रिंक डाउन किया, उसके बाद जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टैक्स, क्या तब आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे पा रहे हो क्या? भाई कभी क्लाइंट के सामने अपन लोग डाउन हो गए, बट उसके बाद क्या अपन लोग कमबैक मार सकते हैं क्या? ये सब चीजें वो लोग मेरी जज कर रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है। ये तो फिर बाद में मुझे उस एचआर वाले ने बताया जो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 4th राउंड हुआ, 5th राउंड हुआ, 5th राउंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ था, 4th राउंड में बाकी इन जनरल डिस्कशन था, जहां पे उन्होंने मुझे अपनी कंपनी के प्रोसेसेस के बारे में बताया और पूछा क्या आप रेडी हो क्या ये सब के लिए। उन्होंने पूछा कि आपको हो सकता है अमेरिका भी जाना पड़े काम सीखने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई यूके के भी हमारे क्लाइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे क्लाइंट्स हैं, इंडिया से भी क्लाइंट्स हैं, आर यू रेडी टू मैनेज ऑल ऑफ देम? ये सारी बातें हुई हमारी, एंड देन फाइनली वो 4th राउंड कंप्लीट हुआ। तो 4th राउंड में उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस के बारे में बताया, समझने की कोशिश की कि मेरा लाइकिंग है कि नहीं टुवर्ड्स द वर्क दैट आई एम गोइंग टू डू। फिर आया 5th राउंड, यहाँ पे था हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी पूछे कुछ सवाल, अब यहाँ पे एकदम चिल्ड आउट था सीन। 4th राउंड तक पहुंच गया ना, मतलब 95% यू आर देयर। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ थोड़ा
एचआर वाली बातें हुई, थोड़ी टेक्निकल वाली बातें हुई, और दोनों कंबाइन करके मेरा वो राउंड भी हो गया। अच्छा, फाइनली सिक्स्थ राउंड था। सिक्स्थ राउंड में मेरे जो सीनियर होने वाले हैं और बाकी एक दो एचआर के पर्सन, टेक्निकल पर्सन सब बैठे थे। फाइनली उन्होंने मुझे ऑफर लेटर देने के लिए सब डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज गोइंग टू बी द सैलरी टर्म्स, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, मेरिट से क्या एक्सपेक्टेशंस होगी। फाइनली जब वो सब चीज पॉजिटिव हुई, 2 दिन बाद मुझे एचआर का कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर संकल्प, यू आर सिलेक्टेड, वी आर सेंडिंग यू द ऑफर लेटर। उन्होंने ऑफर लेटर भेजा, अच्छा खासा पैकेज था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। एंड दैट्स वेन द जर्नी ऑफ एंटरिंग द फाइनेंशियल वर्ल्ड स्टार्टेड। तो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड था मेरा। तो इंटरव्यू के स्टार्टिंग के थर्ड फर्स्ट 2 राउंड में अच्छा था, थर्ड राउंड में लगा कि गया अपन तो बाहर, फिर वापस से कॉन्फिडेंस आया। एंड दैट्स हाउ लाइफ इज। कभी कभी अपने को लगता है यार अपन टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बट देर इज वन, एक बोलते हैं ना आस हमेशा रखने का। फिर बाद में वो उससे चीजें बिल्डअप करते गया मैं तो, एंड हियर यू आर। मुझे उस दिन एक चीज रियलाइज हुई कि यार खाली सीए में खाली एक बुकिश नॉलेज लेके ही काम नहीं चलेगा। और उस दिन मैंने सोच लिया था दैट मैं जिस भी मेरे जूनियर को मिलूंगा उसको मैं बोलूंगा कि यार देख, मेरे से तो कुछ गलतियां हुई है, मेरे को करना चाहिए था फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर भी, मैं नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट तुम अब कर सकते हो इस चीज के साथ। गाइज एक आदत डाल लो, एवरीडे बेसिस पे आप लोगों को ये इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। बट सर, हम लोग को तो इसमें से बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आती है, हमारे घर पे तो न्यूज़पेपर ही नहीं आता है। न्यूज़पेपर नहीं आता होगा, एप्स तो आजकल डाउनलोड कर सकते हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन मोबाइल फोन। यार इधर उधर इंस्टा, टेलीग्राम, ये सब पे टाइम वेस्ट करते हो, मेरे हिसाब से तो क्यों ना उससे अच्छा ये न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, मानते हो कि नहीं? यस। तो उस दिन से मैंने पढ़ना चालू कर दिया ये न्यूज़पेपर। एंड आज का दिन है, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं न्यूज़पेपर पढ़े भी ना रहता हूँ। मतलब मैं बेचैन हो जाता हूँ जब तक न्यूज़पेपर एवरीडे मॉर्निंग को नहीं आता है, बिकॉज आई वेक अप अर्ली, तो मैं जल्दी उठाऊ तो तैयार हो गया, उसके बाद आई जस्ट वेट कब न्यूज़पेपर आएगा, पढ़ लू उसको प्रॉपरली, एंड देन द डे एक्चुअल में बिगिंस ओनली आफ्टर रीडिंग दिस। सो दैट्स हाउ इट इज। अब मेरे टाइम पे चीजें इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी, तो मेरे पास वो नॉलेज नहीं था, एक्स्ट्रा नॉलेज तो भी चल गया। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक चीज के बारे में इतना सारा ज्ञान अवेलेबल है कि अगर आपको सीए बनने के बाद कोई बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए या कोई बड़ा यू कैन से क्लाइंट चाहिए, यू विल ऑलवेज नीड अ टेक्निकल अबाव एज। और वो एज आपको कहां से आएगा? यही एक्स्ट्रा करिकुलर मार्केट नॉलेज लेके, जो ऑब्वियसली मैं भी शेयर करूंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय वर्क। एंड आप लोग भी अपने हिसाब से अच्छा इस चीज के ऊपर मेहनत कीजिएगा। तो ये भी एक प्रॉमिस दे रहे हो ना तुम लोग इस प्रॉमिस के साथ, दैट यस सर वी विल रीड द न्यूज़पेपर्स डेली। धीरे धीरे, कोई गाय नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ये 15 पेज का न्यूज़पेपर है आज का, आज ही पूरा आप सब पढ़ लो, नहीं, एटलीस्ट ऊपर ऊपर से ध्यान दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ खाली AFM ही नहीं, इस न्यूज़पेपर में आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज के ऑडिटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब FR आ गया आपका, बहुत सारी कंपनीज के ऑडिटिंग रिपोर्ट्स, ऑडिट में क्या क्या कुछ फाइंडिंग्स है वो मिलेगा, ऑडिट आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट की बातें तो होगी ही होगी। डायरेक्ट टैक्स, GST में क्या नोटिफिकेशन सर्कुलर आया, क्या चेंजेस आया, वो भी इधर आपको मिलेगा। तो जब पूरा का पूरा अपना जो अपन लोग पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर अपने को ज्ञान देने वाला है, तो क्यों ना इसको आज से ही स्टार्ट किया जाए। और अगेन आई एम टेलिंग यू, जरूरी नहीं है फिजिकल न्यूज़पेपर लो, फ्री में ऐप पे आज की तारीख में तो सब न्यूज़ मिलता है, व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट एज वेल। क्या बोलता है पब्लिक, राइट? सो दो प्रॉमिसेस तुम लोग ने मुझे कर दी है, एंड चलो अब किक स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन, टेक्निकल सेशन विच इज रिलेटेड टू CA CMA फाइनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक का है एडवांस, एक का है स्ट्रेटेजिक, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, सब चीजें तो वही है। बट चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं क्या है अपना पोर्शन एंड हाउ आर वी गोइंग टू टेक दिस थिंग फॉरवर्ड। भाई चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द होल थिंग। सो मेरे इंटरव्यू के बाद
अब आई होप आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस आपको भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में एंट्री मिल सकती है। जितना आप मेहनत करोगे उतना चांसेस बढ़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं पेपर टू सीए फाइनल एएफएम की बात करता हूं यहाँ पे, तो लेट्स सी हाउ दिस होल सब्जेक्ट इज डिवाइडेड। डोंट वरी, आज का सेशन है, कल का सेशन है, ये एकदम लाइट रहेगा। मतलब लाइट रहेगा यानी मतलब बहुत ज्यादा मैं 2 3 4 घंटा नहीं पढ़ाऊंगा आपको। आज स्टार्टिंग का 1 2 दिन है, अभी आप लोग भी गेट यूज टू हो गए सब्जेक्ट के, तो धीरे 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 अपन लोग बिल्डअप करते जाएंगे, ठीक है ना। सो आज प्रॉबेबली और हाफ एन आवर में मैं सेशन को एंड कर दूंगा, बता दूंगा आपको कि क्या अपना अप्रोच रहने वाला है। कल थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे चीजों को लेके जाएंगे, एंड देन फिर बाद में एकदम बोलते हैं ना, जर्नी को पूरा का पूरा रेस देना चालू कर देंगे। सो योर वी आर विद पेपर टू सीए फाइनल एएफएम। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज इन द पार्ट ऑफ आर पोर्शन। तो बेसिकली मैंने इस पोर्शन को 4 फेज में डिवाइड किया है, और आपको भी आज के बाद ये 4 फेज के थ्रू ही इस सब्जेक्ट को पढ़ना है गाइस। जी हाँ, एंड दैट इज द बेस्ट वे दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम्स विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। तो आज से ये फेज वाइज स्टडी करेंगे अपन लोग इस सब्जेक्ट की, एंड ये सब्जेक्ट डिवाइडेड है इन टू 4 फेज। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रो इसीलिए दिया सो दैट यू नो यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट दैट हाँ भाई आप ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, ठीक है। बाकी पढ़ाना है वो तो करना ही है मेरे को, वो तो मैं बाय डिफॉल्ट ही एकदम डेप्थ में जाके अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। बट एटलीस्ट व्हेन यू नो दैट यू आर स्टडिंग विद समबडी हु इज इनटू दिस मार्केट फॉर सो मेनी इयर्स, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। कभी आप कहीं पे अटकते हो या कुछ पूछना हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो चलो आप स्टार्ट करते हैं समझना दैट व्हाट ऑल इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ फेजेस दैट आर हियर। सबसे पहला फेज है फेज 1। इस फेज में मैं आप लोगों को बता दूं दैट देयर आर गोइंग टू बी 3 चैप्टर्स। सो यूजुअली 3 टू 4 चैप्टर्स होंगे एक फेज में। इस फेज में है 3 चैप्टर्स म्यूचुअल फंड्स, और मोस्ट प्रोबेबली अपन लोग है ना सीक्वेंसिंग भी यही रखेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड ही बताऊंगा, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एंड देन द थर्ड चैप्टर इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। तो सर अब हम लोग भी लिखना चालू कर दिए क्या? वेल यस यस, अरे एक चीज जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ लिखनी है, थोड़ा टाइम भी दूंगा लिखने के लिए, डोंट वरी। बट जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तब फोकस कॉन्सेप्ट पे ही करना, और फिर बाद में जब मैं लिखने का टाइम है तो मैं टाइम भी दूंगा। अच्छा और एक चीज बता दूं, ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिख रहा हूं इसको मैं बोलता हूं हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। आप लोगों को ऑब्वियसली बुक्स तो मिलने वाली है, बट ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे ऑन द गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो कभी आपसे नोट छूट गया या कुछ नोट्स रिफर करना है जो आपने नहीं लिखा है या कहीं और लिखा है, डोंट वरी एट ऑल। जस्ट आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक दिया उधर आओ, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। यू हैव टू यूज दैट पीडीएफ, हो गया आपका काम। ऑलराइट गाइस, डन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखोगे नहीं, चीटिंग नहीं। जितना चीटिंग खुद से करोगे उतना आगे तकलीफ आपको ही होगा, एज सिंपल एज दैट। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू द हार्डवर्क। हार्डवर्क के बिना सक्सेस नहीं मिलने वाला है, कुछ भी कितना भी कर लो। मिल भी गया तो वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म में तो अटक ही जाओगे। तो ऐसा अपने को चाहिए नहीं। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे 1। तो पहले है हमारा म्यूचुअल फंड्स, फिर है हमारा पोर्टफोलियो, और फिर है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट ऑल टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी। फिर बाद में आ जाता है फेज 2। हाँ, मेरे हिसाब से तो मोस्ट इंटरेस्टिंग मोस्ट चैलेंजिंग फेज है फेज 2। यहां पे अपन लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स लाइक फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, वाओ। फिर डेरिवेटिव्स, जिसके बारे में आप लोग इतना सुनते हो, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो। फिर बाद में आता है थर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज IFM, एंड द लास्ट इज कॉल्ड एज गाइस IRRM, ओके, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। सर फुल फॉर्म IFM का इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेरिवेटिव्स है, फॉरेक्स है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, मजा, टाइम
लगेगा फेज टू में। फिर बाद में आ जाएगा अपना फेज थ्री, जो है एकदम हल्का वाला फेज, मैनेजेबल एकदम, एंड देन ऑब्वियसली फेज फोर। सो जस्ट अ मोमेंट, सो नेक्स्ट। अब ये फेज थ्री में भी आएंगे मेरे तीन चैप्टर्स, उसमें से पहला है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। यस, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। उसके बाद है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, सो ADV, कैपिटल बजटिंग। एंड लास्ट है मेरा कॉर्पोरेट या बिजनेस वैल्यूएशन, इसको अपन बोलते हैं बिजनेस। पहले इसी सेम ही चैप्टर था, बट पहले इसका नाम हुआ करता था कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ये एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था इंस्टीट्यूट ने। मतलब क्या था पता है क्या, मैंने जब सीए फाइनल का एग्जाम दिया था तब एडवांस कैपिटल बजटिंग हमारे सिलेबस में था, फिर उन्होंने कुछ टाइम के लिए निकाल दिया, फिर उन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड इट्स अ गुड चैप्टर, गुड दैट दे हैव इंट्रोड्यूस दिस। एंड देन फाइनली आ जाता है अपना फेज फोर। फेज फोर पूरा का पूरा फोकस है थियोरी के ऊपर। बॉस थियोरी सर आता है क्या एग्जाम में? 101% आता ही आता है। कितने मार्क्स का क्या है वो सब चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। सो थियोरी में मेरे पास क्या क्या चीजें आने वाली है, तो थियोरी में एक चैप्टर है जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन, थियोरी में एक चैप्टर है जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट, थियोरी में चैप्टर है हाँ एक, थ्योरी में चैप्टर है जिसका नाम है स्टार्टअप फाइनेंस, फिर थ्योरी में चैप्टर है जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस, देन चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। जी हाँ, चलो डन। देख लो टोटल 15 चैप्टर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है चलो। सो ये होने वाला है अपना पोर्शन। सर हम लोग सीएमए वाले हैं तो तुम लोग को ये सब चीजें ऑलमोस्ट है ही, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन विच आई विल शेयर विद यू सेपरेटली। एंड साथ में एक चैप्टर है डिजिटल एसेट्स एंड लीजिंग, तो लीजिंग एक अलग है, कैपिटल बजटिंग से कनेक्टेड है, और डिजिटल एसेट्स करके एक थियोरी चैप्टर है, वो भी आप लोग को करवाऊंगा, डोंट वरी। सो अब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, सर ये कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है? देखो अगर आप मुझे पूछोगे तो सीधी सी बात है, मैं तो आपको बोलूंगा ही दैट 101% ऑल आर वेरी वेरी इजी। बट एक स्टूडेंट परसेप्शन अगर मैं आपको बताऊं ना, सो ये देखो अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 मार्क्स का आने वाला है आप लोगों को ये मीडियम फेज से, अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 मार्क्स का आने वाला है आपको ये फेज से, विच इज अ लिटिल ऑन अ डिफिकल्टर साइड। मतलब इसमें पब्लिक इंस्टीट्यूट कुछ भी खेल सकता है। फेज थ्री बहुत ही एवरेज है, सो ये भी अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स का आएगा, समझ रहे हो। एंड ये है सबसे इजी फेज, लास्ट एग्जाम के 2 दिन पहले ही देखना इसको, तो ऐसा फेज है ये भी आएगा 25 मार्क्स के लिए। सो टोटल जब ये 25 मार्क्स नहीं बोलते, इसको 25% बोलते हैं क्योंकि पेपर विद ऑप्शन, तो अप्रोक्सीमेटली 120 मार्क्स का आता है अप्रोक्स। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सो 25 to 30% पोर्शन फेज वन में से आएगा जो मैं पहले बताऊंगा, फिर फेज टू में से आएगा जो मैं बाद में बताऊंगा, तो अप्रोक्सीमेटली 60% तो फेज वन फेज टू में ही आ गया। फिर आ जाता है फेज थ्री एंड फिर आ जाता है फेज फोर। प्लीज एवरीबॉडी प्लीज राइट दिस डाउन। और ये आप लोगों का, मैं तो बोलता हूँ ये आपका जो मोबाइल है ना उसका स्क्रीनशॉट बना, इफ नॉट तो एटलीस्ट शेयर कर लो अपने आपके साथ व्हाट्सएप पे, सो दैट बोलते ना एक मोटिवेशन रहेगा दैट यस, इसको जब अपन कंप्लीट कर देंगे 80 मार्क्स की तरफ पहुंच चुके होंगे, टूवर्ड्स आर ड्रीम पहुंच चुके होंगे। प्लीज एवरीबॉडी जस्ट राइट दिस डाउन, 2 मिनट दे रहा हूं एंड देन वील कंटिन्यू।
चलो डन 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 डन, अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट किया था अपन ने, फिर समझ लिया पूरा का पूरा अपन लोग ये कैसे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें लिखने वाला हूं। विच एज अ स्टूडेंट आर योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। मैंने लास्ट कुछ साल में काफी सारे AFM के बैचेस लिए, एंड मेरी तरफ से मैंने कुछ स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस सेट किए हैं। या लिख देता हूं मैं बैच एक्सपेक्टेशंस मेरी तरफ से, या मैं अगर कभी आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करूं, सो दिस इज व्हाट इट इज, बैच एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, क्या है ये बैच एक्सपेक्टेशंस? तो सबसे पहले तो सर 100% ICAI का कवरेज करवा देना सर, प्लीज सर प्लीज। ध्यान रखना कि पूरा का पूरा सर पास्ट पेपर, अच्छा ऐसा सर, पूरा का पूरा RTP MTP सर, ये सारा चीज जो भी इंस्टीट्यूट का है ना सर, वो करवा देना। बराबर है, सही बोल रहा हूं मैं? तो ये हो गया सबसे पहला आपका एक्सपेक्टेशन, डन सर, ये चीज हो जाएगी। सेकेंड सर, प्लीज 200% फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे रखना। सो 200% फोकस किसके ऊपर होना चाहिए सर? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर 200% फोकस होना चाहिए। चलो ये बात भी हम मानते हैं, एंड ये भी आपको देंगे। ओके, फिर बाद में और आप लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि सर सर जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला सर, एक तो फॉर्मूला याद करवा दो, और एक तो फॉर्मूला सर अपन जो डिराइव करें सर, अगर फॉर्मूला डेरिवेशन मिल जाए ना सर, मजा आ जाएगा सर, लाइफ बन जाएगा। सो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलास, वेरी गुड, डन, ये भी चीज करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही जा रहा हूं ना मैं? यही है ना तुम्हारे सारे एक्सपेक्टेशंस? बराबर है, तुम खाली सोचो और एग्जीक्यूट हम करके देंगे यार, क्या टेंशन लेते हो। ओके, सो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलास करवा देना सर, करवा देंगे। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस रहेगा ना? यस, दोनों रहेगा। सो वी विल डू अ कॉम्बिनेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। सर तो थियोरी कितने मार्क का आता है, प्रैक्टिकल कितने मार्क का आता है? आता हुआ था, अभी इसके बाद तुम लोग को पेपर पैटर्न ही बताने वाला हूं, डोंट वरी। सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को लेके चलेंगे। कई बार क्या होता है, अपन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस हो जाते हैं, थियोरी छूट जाता है, थियोरी पे चले जाते हैं प्रैक्टिकल छूट जाता है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, एंड यस डेफिनेटली 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 वो बैलेंस मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट सर, हम लोग तो फाइनल वाले हैं, तो क्या आप हाई लेवल पढ़ाओगे? द आंसर इज नो, आई विल टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स। ये आपके एक्सपेक्टेशंस हो या ना हो, मैं ये कर्तव्य निभाने वाला हूं, ये फॉर श्योर है। आदत है मेरी वैसे भी, मतलब आप मेरा रिवीजन लेक्चर भी देखोगे ना, वहां पे भी अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो ना मेरा कोई सेशन, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ नया सीख रहे हो, यू विल ऑलवेज फील इट कनेक्टेड विद द टॉपिक। सो ये बाय डिफॉल्ट मैं करूंगा, शायद मुझे 10% एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, आई एम रेडी टू गिव दैट, बट कहीं पे भी मैं बेसिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नेवर एवर। जी हाँ, सिक्स, अच्छा राइट, ओके। फिर एक और चीज जो मैं तुम लोग के साथ करने वाला हूं, कराने वाला हूं, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ये तुम लोग को शायद एक्सपेक्टेशन में ना हो, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं तुम लोग को ये करवाऊं। सो यस डेफिनेटली ये भी तुम लोगों को मिलने वाला है मेरी तरफ से, क्या? लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, है ना, ऐसा आइडिया, डन सर। ओके, देन रिविजन सेशंस ऑफ ऑल चैप्टर्स। जी हाँ, एग्जाम कब आ जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अभी पढ़ते जा रहे पढ़ते जाएंगे, अभी लेक्चर्स होगा अटेंड करोगे, एंड एकदम अचानक से मालूम पड़ेगा इला एग्जाम अटेम्प्ट है 4 महीने बाद। सो उसके लिए, तब रिवाइज करने के लिए जो सेशंस चाहिए ना, वो भी तुम लोगों को मिल जाएंगे। सो रिविजन सेशंस ऑफ ऑल चैप्टर्स, एक चैप्टर भी ऐसा नहीं है जिसका मैं तुम लोग को रिविजन लेक्चर नहीं देने वाला हूं। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। फिर है डन, हाँ ओके। फिर बाद में आ जाता है अपना
लाइव मार्केट ट्रेडिंग, हाँ एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज को भी अपन कनेक्ट करेंगे। सो एमसीक्यू क्या करूंगा पता है क्या, मैं मेरे एमसीक्यू मैं तुम लोग को मेरे वेबसाइट के ऊपर डाल के दे दूंगा। वेबसाइट से आप लोग कभी भी चाहो तो एमसीक्यूज दे सकते हो। जी हाँ, वेबसाइट है मेरा webucate.in। इस वेबसाइट से आप कभी भी आओ, एग्जाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो एक स्टूडेंट का बेस लेवल पे एक्सपेक्टेशन है ना, ये सारी मैं एक्सपेक्टेशंस को कवर करूंगा। सो यस, सीए फाइनल एएफएम का ये अपना पोर्शन है और इससे रिलेटेड एक स्टूडेंट के क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक बैच से, ये सारी चीजें मैं अब लोग आप लोग से डिस्कस करके 100% अश्योर करता हूं that this is what we are going to follow. 100% coverage of ICAI, module, past paper, RTP, MTP, 200% focus on concept clarity, derivation of formulas. एक एक formula अपन लोग guys derive करने वाले हैं for sure. And concepts के ऊपर जाएंगे। ये concept के लिए मैं लेने वाला हूं आप लोगों के साथ बहुत सारे examples so that we are clear. थियोरी और प्रैक्टिकल का एक बैलेंस बना के चलेंगे, बेसिक से पढ़ाऊंगा, इवन इफ इट इज अ 1+2 वो भी कैसे होता है, कैलकुलेटर पे कैसे मैथमेटिकल चीजें करनी है, ये सारी चीजें, लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सो दैट वी ऑल्सो बिकम ट्रेडर चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिविजन चैप्टर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स विल बी गिवन, रिविजन सेशन एंड एमसीक्यू भी साथ साथ में करवाएंगे बिकॉज दिस कंसिस्ट ऑफ क्रूशियल 30 marks. सो विद दिस आई एश्योर यू that it is going to be a best experience for you for this subject. ये बात एकदम तय है, तय है, तय है. अब ये expectations student का मेरे से था. अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा approach क्या रहने वाला है for this subject. So next I am going to say my या फिर अपन बोलते हैं our approach to the subject. My approach टू द सब्जेक्ट, तो कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, मेरी कुछ आप लोग से भी तो एक्सपेक्टेशन होगी ना, वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं. तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अमंगस्ट ऑल इज गोइंग टू बी द बुक्स. अगर बुक्स गॉड लेवल नहीं है ना, देन इन दैट केस आप एंड तक कंफ्यूज रहोगे. आपको पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था सीए फाइनल में, मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 ऑथर्स का रिफर कर लिया बुक्स, क्योंकि कुछ ऑथर में कुछ सही था, कुछ में कुछ ये था, एंड में मैं कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो गया. फिर लास्ट के जब 2-3 महीने बचे थे तब मैंने एक ही ऑथर पे स्टिक किया, कंप्लीट किया उसको, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरी कहीं ना कहीं वहां पे मेरे को एक ही चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए था, वुड हैव गॉट अ मच बेटर रैंक एज वेल. बट एनीवेज, जो भी गलती मेरे से हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग ये गलती ना करो. एंड अगर आप लोग रैंक के लिए एम कर रहे हो ना, स्टार्ट फ्रॉम टुडे. और वहां पे सबसे पहला चीज है बुक्स का क्लैरिटी. बुक्स जो आप यूज कर रहे हो ना अभी, ऑप्टिमाइज और मैजिक बुक, यही आपको एंड तक लेके जाना है. एग्जाम के सेंटर में एंटर करोगे ना, तब तक आपके हाथ में मैजिक बुक होगा. उसके पहले 2-3 बार जब रिविजन करोगे ना, वो आप लोग करने वाले ऑप्टिमाइज. तो आपको पहले से ही वो पूरा का पूरा सिस्टम पता है. 1% भी उस चीज में आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि आपको बताया कि मेरे बुक्स में कवरेज होने वाला है 100%. इसके बाद आपको इसके बाहर और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो है ही, उसके अलावा मैंने मेरा भी कंटेंट डाला है जो रेलेवेंट है, जो एग्जाम में भी आ सकता है इफ ICAI wants. सो ऑब्वियसली यहाँ पे फोकस इज दैट बुक्स इतना अच्छी तरह से कवरेज रखे. और तुम लोग बुक्स को नोट करोगे, बता ही देता हूं मैं बुक्स के बारे में कि एक एक चीज अपन ने यहां पे इंक्लूड की हुई है यार. मतलब स्टार्ट्स विद अ मोटिवेशन सेशन, देन बुक्स के अंदर है क्या, बुक्स के अंदर है स्टडी मेंटर, क्या होता है ये सब चीजें आप लोग को अभी मैं बताऊंगा. तो बुक्स आर गोइंग टू बी 100% कवर्ड. इसमें क्या क्या होने वाला है, ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, राइट? कुछ क्वेश्चंस मैं जो होमवर्क में दूंगा उसका भी क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहां पे मिलने वाला है. आपको मिली होगी 2 books, एक बुक मिली होगी आपको ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, विच इज अ सेट ऑफ 2 books,
एंड दूसरी आपको बुक मिलेगी मैजिक बुक, दूसरी आपको बुक मिलेगी मैजिक बुक। ठीक है ना, ये एक समरी बुक है फॉर क्विक रिविजन। डन डन। तो सर ये हम लोग वो कर लेंगे। ओके, उसके बाद में बुक को अगर आप लोग थोड़ा डेप्थ में देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा ऑब्वियसली चैप्टर नेम, फिर बाद में आपको दिखेगा एक समथिंग कॉल्ड एज स्टडी मेंटोर। सो व्हाट इज दिस स्टडी मेंटोर गाइस? स्टडी मेंटोर आपको बताएगा कि आपका कितनी बार कोई पार्टिकुलर चैप्टर या पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ के हुआ है। तो जैसे जैसे मैं ये पढ़ाते जाऊंगा आपको, मैं बोलते जाऊंगा भाई देखो आप लोग स्टडी मेंटर में टिक कर दो। जैसे जब मैं क्वेश्चन में क्लास में 1 2 करवा लूंगा, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 7 हो गया, जो जो क्वेश्चन होते जाएंगे उसको मैं टिक मार्क करते जाऊंगा, उसको मैं टिक मार्क करते जाऊंगा। अब ये तो मेरे साथ हुआ। अब जब आप लोग रिवाइज करोगे तब आप लोग अलग से, जब आप कौन सा जो जो क्वेश्चन करते जाओगे उसको लिख दोगे टिक मार्क, इससे आपको क्या होगा पता चलेगा कि भाई आपका AFM टोटल कितना पढ़ के हुआ है। सो दिस स्टडी मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जब आप लोग पेपर 6 IBS का एग्जाम दोगे तो आपका ओपन बुक एग्जाम है। तो समझो कोई क्वेश्चन आप लोग को वो लोग ने पूछ लिया से डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर, तो आपको पता है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान पेज 26 27 पे, आप फटाफट एग्जाम में पेज 26 27 पे जाओगे, देख लोगे वो क्वेश्चन आंसर एंड देन यू कैन राइट इट डाउन। ओपन बुक है, यू कैन यूज दैट इन द बेस्ट मैनर। जितनी बार ये टिक होते जाएगा उतनी बार आप अपने रैंक के तरफ, अपने ड्रीम के तरफ पहुंचते जाओगे। यस, समझ रहे हो? तो दैट इज अबाउट योर स्टडी मेंटोर। स्टडी मेंटोर क्या बताता है? एक ट्रैकर है, ये ट्रैकर है जो आपको बताता है कि लाइव रियल टाइम पे कि आपका कितना प्रेपरेशन हुआ है कितना प्रेपरेशन नहीं हुआ है। ये एक लाइव ट्रैकर है, समझ रहे हो आप लोग? डन। सो क्या है स्टडी मेंटोर? एक लाइव ट्रैकर। लाइव ट्रैकर। फिर बाद में क्या आता है दूसरा? नेक्स्ट, प्रीव्यू। हर एक चैप्टर के पहले आपको मिल जाएगा एक प्रीव्यू सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू डू इन द सब्जेक्ट। तो एक प्रीव्यू है, 2 3 पेज का ये प्रीव्यू होगा। इसमें सब आपको पता चल गया भाई क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ स्कीम्स है इसमें, बैलेंस्ड इक्विटी डाइवर्सिफाइड ELSS सेक्टर, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, क्लासिफिकेशन है, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स है, कैसे एस्टेब्लिश होता है, क्या है इंट्रोडक्शन, ऑल दीज रिलेटेड छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, वो सब इधर आ गया। फिर बाद में आ जाता है थ्योरी, जहां पे रिक्वायर्ड मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी किया है सो दैट आपको चीजें याद रहे, राइट? ये देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से याद रहता है चीजें, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ये हो गया। और उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये प्रैक्टिकल, ये तो ये पूरा थियोरी हो गया, इससे अपने को सब समझ में आ गया। एंड देन फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कोई पुराना पास पेपर का क्वेश्चन है तो वो भी देखो इधर मैंने मेंशन कर दिया है, दिख रहा है इधर आपको? ये देखो May 10, May 14, May 16 सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सो प्रीव्यू हुआ, प्रीव्यू के बाद अपन लोग ने देखा दैट थ्योरी प्लस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, समझ रहे? डन। ओके, नेक्स्ट। फिर आने वाला है क्या? फिर आने वाला है प्रैक्टिकल Q&A। थ्योरी को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया, प्रैक्टिकल Q&A किया। ये प्रैक्टिकल Q&A में याद रखना 100% कवरेज है ICAI का, सो यू डोंट हैव टू वरी, 100% ऑल ICAI कवर। डन डन। फिर बाद में आती है अपनी मैजिक बुक। अच्छा, मैजिक बुक से क्या होने वाला है आपका? मैजिक बुक से आपका रिवीजन होने वाला है, क्योंकि ये एक समरी बुक है जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर का समरी है, समझ रहे हैं? ओके, मेरा फोकस क्या रहेगा? जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आप लोग नोट करेंगे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। तो यहां पे मेरा अप्रोच समझ में आ गया, बुक्स लॉजिकल कवरिंग एवरीथिंग। कितनी बार आप लोगों को दिखेगा कि यार देखो पहले कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है फिर वो सम आया है, सो दैट अपन फटाफट कनेक्ट कर पाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट को करवाने के लिए मैं कभी भी कनेक्ट करता हूं एग्जाम्पल्स के साथ। एक बार आप लोग मेरे एग्जाम्पल समझ गए, लाइव एग्जाम्पल, आपके और मेरे लाइफ के एग्जाम्पल, उससे कनेक्ट हो गए आप लोग, फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे और फिर बाद में प्रैक्टिकल
क्वेश्चन एंड आंसर्स की बारी। सो दैट्स हाउ वी विल बी टेकिंग, ठीक है ना। और ये एग्जांपल्स आपके और मेरे रियल लाइफ के होंगे, जहां पे आप एकदम इजीली कनेक्ट कर पाएंगे अपने चीजों को। ऑलराइट, ठीक है। अब एक लास्ट चीज आप लोगों को बता देता हूं और फिर अपन आज के सेशन को पूर्ण विराम एंड कर देंगे, ठीक है ना। मैंने बोला फर्स्ट दो सेशन एकदम एकदम लाइट रहेगा, मतलब एक एक दो दो घंटे का ही, एक घंटे का ही रहेगा इनफैक्ट, बिकॉज धीरे धीरे गियर अप करेंगे ना। गाड़ी चलाइए, गाड़ी कब गाड़ी चलाओगे ना, तो पहले गाड़ी फर्स्ट गियर में जाती है, फिर सेकेंड गियर में जाती है, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर, फिर फिफ्थ गियर, और जितना स्पीड बढ़ाना है बढ़ाओ, बट पहले फर्स्ट गियर में तो 10 की स्पीड पे ही चलती है गाड़ी, है ना। तो फर्स्ट डे है 1 घंटा, बहुत हो गया सर। सेकेंड डे है 1 1.5 आवर और ले लिया, तो अब फील आ गया भाई, सेकेंड गियर में आ गया। फिर थर्ड गियर में 2 आवर्स, फिर फोर्थ गियर में 2.5 to 3 आवर्स, ऐसे करते करते इन अ वीक वी विल रीच टू वेयर वी वॉन्ट टू, बट स्लोली एंड स्टेडली। अब यहां पे आ जाते हैं अपन लोग लास्ट पार्ट के ऊपर, विच इज द पेपर पैटर्न। और इस पेपर पैटर्न को इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया है बेटा दो पार्ट में। एक पार्ट में वो लोग पूछने वाले हैं एमसीक्यूज, विच इज गोइंग टू बी से फॉर 30 मार्क्स, एंड फिर वो लोग पूछने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव, विच इज गोइंग टू बी फॉर 70 मार्क्स। यहां पे जो आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू है ये कंपलसरी है। जी हाँ, अब आप मेरे को बताओ, अगर आपने कोई भी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा तो क्या आप लोग ये एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे क्या? द आंसर इज नो नो नो। सो एमसीक्यू 30 मार्क्स के लिए आएगा कंपलसरी, एंड देयरफॉर डू नॉट लीव ऑप्शन, एक वर्ड भी ऑप्शन में छोड़ा और उसमें से अगर कुछ आ गया तो जिम्मेदारी आपकी है। सो वी शुड नॉट डू दैट, ओके। सो कंपलसरी है यहाँ पे। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है एंड जो रिमेनिंग है, ठीक है ना। सो रिमेनिंग क्वेश्चन 2 to 6 में, क्वेश्चन 2 3 4 5 6 में से एनी फोर, गॉट इट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ये अच्छा कितने मार्क्स का आने वाले सर? ये भी 14 मार्क्स, एंड ये 14 मार्क्स इनटू 4 क्वेश्चंस। सो ये देखो, ये कितना हो गया? 56 मार्क्स, ठीक है ना। इसमें एक इंटरनल ऑप्शन मिल गया अपने को, 5 में से 4 ही करना है। फिर ये 14 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आ गया, तो टोटल 70। फिर ये कंपल्सरीली आपको करना ही करना है। सो इसके लिए वी हैव टू एंश्योर दैट एक-एक अपन लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं, एकदम बराबर से करें, सो दैट एमसीक्यू का एक मार्क भी कट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम विल बी प्रोसेस्ड। एनी डाउट्स एनीबॉडी सो फार गाइस? नहीं, समझ गए अपन लोग अच्छी तरह से, सब चीजें अपने को समझ में भी आ गई है। चलो डन है। बस अब जैसा मैंने बोला कि ऑन दैट नोट, आज अपन लोग ने डिस्कस क्या-क्या किया। एक तो पहले अपने आपने समझ लिया मेरे बारे में, और वो समझना बहुत जरूरी है मैं मानता हूं, बिकॉज यू नो आपको पता होना चाहिए आप किसके पास से क्या पढ़ रहे हैं। एक से आपको पता होना चाहिए आप किसके पास से पढ़ रहे हैं, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट दैट यस यार हो जाएगा, सर सर के साथ है हम लोग, हो जाएगा अपना काम। क्या बोलते हो? चलो फिर बाद में क्या पढ़ा अपन लोग ने, क्या पोर्शन है अपना? तो AFM का पूरा पोर्शन का मैंने आप लोगों को प्रॉपर आइडिया दे दिया। फिर स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस क्या होगा इस बैच से, वो अपन लोग ने देखा। ये है बैच एक्सपेक्टेशन, जिसके लिए मैं शपथ लेता हूं कि मैं इन सब के ऊपर खरा उतरूंगा। राइट, आर अप्रोच क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ बुक्स, इन टर्म्स ऑफ बुक्स के अंदर का कंटेंट है, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग के मेरा जो अप्रोच है वो क्या रहेगा, कैसे मैं कनेक्ट करता हूं, एंड फाइनली आप लोगों के साथ डिस्कस किया मैंने पेपर पैटर्न। सो ये सारी चीजें अब अपने को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है। ऑलराइट गाइस, सो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज का फर्स्ट सेशन, बस यही होश और जोश
रखना है अपने को। आर सेशंस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड, तो कुछ सेशंस में लाइव लूंगा, कुछ सेशंस में आप लोगों को रिकॉर्डेड दूंगा, तो वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग देख लेना है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बीच बीच में मैं ऐसे ही टेस्ट लेते रहूंगा तुम लोग के, एटलीस्ट एमसीक्यू के, थियोरी के, एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड टिल दी एंड। जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाते तब तक मैं आपके साथ हूं। सर अगर कुछ चेंजेस आया तो टिल द टाइम आपके नाम के आगे सीए नहीं लग जाता, सीएमए नहीं लग जाता, मैं एंड तक आई एम विद यू, आई बी देयर फॉर यू। अच्छा, लाइफ में कभी भी कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक, कोई टेंशन नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप टू मी, आई विल बी देयर टू आंसर यू। हो सकता है आपने व्हाट्सएप किया और मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, बिकॉज देर आर सो मेनी सेशंस एंड लेक्चर्स गोइंग ऑन। रिमाइंड मी 1 2 3 4 ऐसा लिख दो, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 10 लिख दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। और आप ऐसा पूछोगे बार बार तो आई विल नॉट गेट एंग्री, डोंट वरी। सो यू कैन आस्क मी एज मेनी डाउट्स एज मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट। यस, सो सेम थिंग टुमारो, वट इज द एवरेज टाइम ऑफ क्लास सो दैट आई कैन मैनेज माई आर्टिकल्स। आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आर्टिकलशिप के लिए रहेंगे, धीरे धीरे अपन लोग वो डिस्कस करते जाएंगे। टुमारो ऑल्सो वी विल कीप द लेक्चर एट 7:30 AM। ऑब्वियसली फर्स्ट दो तीन दिन में अभी भी बोल रहा हूँ थोड़ा डिले होगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं तो टेक्निकल इश्यू होता है, उनको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई कैसे होता है ये सब चीजें, सॉफ्टवेयर है, ऑल ऑफ दैट। सो वी विल कीप इट एट अप्रोक्सीमेटली दिस टाइमिंग, एंड दैट इज, चलो कल भी अगर अपने को चाहिए वी कैन कीप, चलो व्हाट वी कैन डू इज, चलो इनिशियली वी विल कीप द टाइमिंग 8 AM। कल भी मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर का सेशन लेना है, सो प्रोबेबली वी कैन कीप इट एट 8 to 9:30 AM टुमारो ऑल्सो। व्हाट इज द एवरेज टाइमिंग ऑफ क्लास, अप्रोक्सीमेटली 2.5 hours to 3 hours अप्रोक्सीमेटली, बट धीरे धीरे होगा वो। ठीक है, सो दैट योर आर्टिकलशिप कैन ऑल्सो बी मैनेज। सैटरडे संडे में हो सकेगा तो एक्स्ट्रा ले लेंगे कुछ। ठीक है, कुछ सेशंस आपको रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं, वहां पे आप लोग अकॉर्डिंगली देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू ज्वाइन द सेशन इज ओपन। अभी आज तो जैसा तुम लोग ने देखा खाली इंट्रो है, कल भी काइंड ऑफ मैं ग्लोबल मार्केट का थोड़ा एक डिस्कशन करूंगा, डे आफ्टर टुमारो से रियल सेशन स्टार्ट होंगे, रियल चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल टेक इट फॉरवर्ड। ओके गाइस, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, विच इज गोइंग टू बी टुमारो इटसेल्फ। सी यू ऑल टुमारो एट AM ऑन द सेम सॉफ्टवेयर, सेम चीज, शार्प 8 AM पे आप लोग आ जाना, एंड करते हैं यार अच्छी तरह से एकदम इसको, जैसा अपन लोग ने टारगेट सोचा है आज, बस इसको फॉलो करना है कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ, एंड एंड आई अश्योर यू यू विल रीच टू योर टारगेट। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।